और मैं हूँ त्रिशा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ 4 बेस्ट हेयर ऑयल को यूज करके आप कैसे एक अमेजिंग हेयर ऑयल बना सकते हैं, जो हेयर ऑयल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ हेयर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है। सो लेट्स टेक द वीडियो। सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लीजिए। अब इसमें 6 टीस्पून कोकोनट ऑयल डालिए। फिर इसमें 6 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करना है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पतंजलि आमला हेयर ऑयल 4 टीस्पून। घर में आमला हेयर ऑयल कैसे बनाना है, इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल। अब सारे ऑयल्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक एम्प्टी क्लीन कंटेनर लेके उसमें 2 टीस्पून मेथी सीड्स और 1 टीस्पून काले तिल की बीज इसमें ऐड कीजिए। अब इस कंटेनर में बनाया हुआ ऑयल मिक्सचर को डाल लीजिए। इस ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना है ये बताने से पहले मैं बता देती हूँ, इसमें मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया है। कोकोनट ऑयल में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन के और आयरन, जो हेयर को सॉफ्ट बनाता है और साथ साथ ये बालों का टूटना और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को कम करता है, जिस वजह से आप लॉन्ग हेयर पा सकते हैं। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल भी ऐड किया है। ऑलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होने के वजह से ये इरिटेटेड स्कैल्प की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के वजह से ये स्कैल्प के लिए बहुत ही हेल्दी है और केमिकल प्रोडक्ट की यूज़ से बालों में जो डैमेज होता है ये उसको भी कंट्रोल करता है। और आमला ऑयल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के वजह से ये प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग को कम करता है। इसमें फैटी एसिड होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को कंडीशन और स्ट्रेंथन करके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। आमला ऑयल में एंटीबैक्टीरियल तत्व होने के वजह से ये स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी रखता है और इसमें विटामिन सी, पॉलीफिनोल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने इसमें कैस्टर ऑयल भी ऐड किया है। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, जो हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और इसमें रिसिनोलिक एसिड है, जो हेल्दी हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। इसकी एंटी फंगल तत्व डैंड्रफ को हटाता है। इसमें मेथी भी है। मेथी में लेसिथिन और एमल्सीफाइंग तत्व है, जो हेयर में शाइन ऐड करता है। इसमें निकोटिनिक एसिड है, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। काले तिल में हेयर को नरिश करने के लिए विटामिंस और मिनरल्स होते हैं। ये हेयर की ड्राइनेस को कम करता है, जिससे हेयर लॉस प्रिवेंट होते हैं। तिल हेयर को रूट से स्ट्रेंथन करता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इस ऑयल को बनाने के बाद 3-4 डेज इसे धूप में रखिए। इसके बाद से इस ऑयल से वीकली 3-4 डेज अपने स्कैल्प और हेयर को मसाज करके मिनिमम 1 आवर रख के फिर अपने पसंद के शैम्पू और कंडीशनर से हेयर को वॉश कर लीजिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियो। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।